सरफेस टेंशन वो अद्भुत बल है जो पानी की सतह पर एक झिल्ली बनाता है, एक परत बनाता है, वो जिससे कुछ कीड़े पानी पे स्केट कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको साबुन का घोल या डिटर्जेंट का घोल, थर्मोकोल की गेंदे और काली मिर्ची का पाउडर चाहिए। पहले एक प्लेट में आप नल का पानी डालें, सतही प्लेट है, और उसमें दो थर्मोकोल की गेंदों को पास पास रखें, दोनों गेंदें तैरेंगी। फिर अपनी उंगली में आप घोल लें, साबुन का घोल लें और दोनों गेंदों के बीच पर रखें, और झट से दोनों गेंदें एक दूसरे से विपरीत दिशा में मूव करेंगी। ये इसलिए होता है क्योंकि पानी की झिल्ली टूट जाती है। आपको इस बार पानी दोबारा बदलना पड़ेगा। इस बार कई थर्मोकोल की गेंदें रखी गई हैं और हर बार वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगी। इस बार हम पानी बदलते हैं और पानी के अंदर एक थर्मोकोल की माला जो डोरे से में पिरोई हुई है उसको डाल देते हैं। अब ये माला टेढ़ी मेढ़ी है, पर जैसे ही बीच में आप एक बूंद साबुन के घोल की डालते हैं, धीरे धीरे आप पाएंगे कि माला एकदम गोलाकार हो जाती है। अब अगले प्रयोग में हम इस पानी को फिर बदलेंगे, दोबारा फ्रेश नल का पानी इसमें डालेंगे, और इस बार बिल्कुल ये काली मिर्ची का पाउडर है, बिल्कुल महीन पिसावा, इसको हम पानी की सतह पर छिड़केंगे और बीचों बीच बीच में एक साबुन के घोल की बूंद रखेंगे, तो देखिए सारा का सारा काली मिर्च का पाउडर एक तरफ हो जाएगा। काली मिर्च के पाउडर से हम इस प्रक्रिया को, सरफेस टेंशन को कम होते हुए हम अच्छी तरह से देख पाते हैं। इस बार हम बहुत सारा काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। अब ये बिल्कुल प्रक्रिया ऐसी है कि बहुत से लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं और एक दूसरे को खींच रहे हैं, सब लोग एक टेंशन के अंदर हैं। पर जैसे ही बीच का एक व्यक्ति अपने आसपास के लोग के दोनों के हाथ छोड़ देता है, तो देखिए दोनों तरफ के लोग गिर पड़ते हैं। वो बिल्कुल वैसा ही इस सरफेस टेंशन के प्रयोग में हो रहा है। साबुन के एक घोल से पानी की परत टूट जाती है।